इन दिनों रणवीर सिंह के सितारे बुलंदियों पर चल रहे हैं। देखिए ना, वो बहुत जल्द फिल्म 83 में नजर आएंगे, लेकिन अब उनके हाथ लग चुकी है यशराज बैनर की एक और फिल्म, जिसमें होगा इनका बिल्कुल भी नया अंदाज। क्या है रणवीर की नई प्लानिंग, क्या है इनकी तैयारी, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 83 की शूटिंग में बिजी हैं, जिसके लिए वो लगातार तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं। ये फिल्म भारत के पहले विश्व विजेता बनने की कहानी पर बेस्ड है और फिल्म में रणवीर सिंह कपिल देव की भूमिका में है। लेकिन उसके बाद रणवीर सिंह आपको बिजनेसमैन के रोल में दिखेंगे। सुना है वो एक सफल बिजनेसमैन की कहानी लेकर आने वाले हैं, वो भी गुजराती में। फिल्म का टाइटल जयेश भाई जोरदार रखा गया है। ये फिल्म एक कॉमेडी एंटरटेनर होगी। फिल्म के लिए रणवीर सिंह ने यशराज बैनर के साथ हाथ मिलाया है। जयेश भाई जोरदार को दिव्यांग ठक्कर डायरेक्ट करेंगे। ये दिव्यांग की पहली फिल्म है, मतलब अब आप रणवीर सिंह की कॉमेडी देखने के लिए तैयार हो जाइए। राइटर તો એમાં એક્ટિંગ કોણ કરશે? તું વિશ્વાસ થાય છે? ના, મને પણ વિશ્વાસ નથી થતો. જોરદાર! વૈસે ભી બેન્ડ બાજા બારાત કે જરીએ એન્ટ્રી કરને વાલે રણબીર સિંહ કા દર્શકો ને બાહે ફેલા કર સ્વાગત કિયા થા। બદલે મે રણબીર સિંહ ને ભી અપની શાનદાર એક્ટિંગ ઓર રોમેન્ટિક અંદાઝ સે લોગો કા દિલ જીત લિયા। ભાઈ રિક્કી બહેલ બનકર વો લેડીઝ કા દિલ જીત ચુકે હૈ, बाजीराव बनकर वो सक्सेस का सिंहासन हासिल कर चुके हैं। रामलीला में अपनी प्रेम लीला दिखाई तो बेफिक्रे में रोमांस और बोल्डनेस का तड़का लगाया और उसकी असफलता से वो डरे नहीं, बल्कि पद्मावत में अपने खिलजी अवतार से बॉलीवुड के बिग स्टार्स की नींद उड़ा दी। फिर रोहित शेट्टी के साथ सिम्बा की दहाड़ के साथ एक्शन का तड़का लगाया और फिर गली बॉय बनकर ये साबित कर दिया कि उनका टाइम अब आ चुका है और अब वो अपनी नई फिल्म जयेश भाई जोरदार में कॉमेडी का तड़का लगाने वाले हैं, जिसके लिए अभी आपको लंबा इंतजार करना होगा। वैसे इसके अलावा रणवीर सिंह के पास कई और बड़े प्रोजेक्ट हैं। सुना है कि वो मेघना गुलजार की फिल्म सैम मोनिकोस की बायोपिक में नजर आ सकते हैं, तो वहीं करण जौहर की मेगा बजट फिल्म में वो मुगल शहजादे का किरदार निभाएंगे। सुना है कि जयेश भाई जोरदार अक्टूबर में फ्लोर पर आएगी और ये फिल्म 2020 में रिलीज होगी। फिलहाल तो रणवीर सिंह 83 के जरिए क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगाने की तैयारियां कर रहे हैं, जिसका इंतजार हर किसी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।